आजकल ये केक डिज़ाइन इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो इस ट्रेंड के साथ हम क्यों ना आगे चले। तो आइए, इस वीडियो में आपको एक बहुत ही ट्रेंडिंग सी केक डिज़ाइन देखने को मिलने वाली है, जो बहुत ही इजी तरीके से कैसे बनाना है वो आप जान पाएंगे। सो वेलकम बैक टू माई चैनल वीराज केक डिलाइट। तो यहाँ पे जैसा कि कस्टमर ने पिक भेज रखा था, वो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी, तो उसी के अकॉर्डिंग केक डेकोरेट करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपके पास पीच कलर नहीं है, तो आप ये बेबी पिंक या पीच कलर कैसे बनाएंगे? तो नॉर्मली पिंक कलर ले लीजिए। पिंक कलर मोस्टली हर किसी के पास होता है, पिंक ब्लू। अगर कोई केक बनाना सीख रहे हैं तो ये सारे कॉमन कलर्स हैं ना, अपने पास हमेशा रखते हैं। तो पिंक कलर में आप हल्का सा टेंट ऑरेंज फूड कलर का दीजिए, या फिर जो लेमन येलो कलर होता है वो डालिए, तो आपका ये पीच कलर शेड बन के रेडी हो जाएगा। अगर आप होम बेकर हैं, केक डेकोरेशन सीख रहे हैं, केक डेकोरेशन कर रहे हैं, तो जो कॉमन कलर्स होते हैं वो तो सभी के पास होते हैं, बट जो ये डिज़ाइनर या फिर जो पेस्टल शेड्स के कलर होते हैं ये नहीं होते हैं सभी के पास, तो ये बनाना पड़ता है। तो बस वो हल्का सा दो ड्रॉप मैं यहाँ पे पिंक कलर और बहुत ही हल्का सा टेंट में ऑरेंज फूड कलर का यूज़ की हूँ। यहाँ पे मैं लिक्विड फूड कलर का यूज़ की हूँ। जेल फूड कलर अगर आप यूज़ कीजिएगा तो कलर जो है वो टूथपिक से लीजिए, जिससे कि कलर की क्वांटिटी काफ़ी कम आए, तभी ये लाइटर शेड आएगा। तो कस्टमर ने जैसा पिक भेजा था उसमें सेम कलर था। तो देखिए, पहले मैंने वेव बनाई तो सही नहीं बनी, तो दोबारा से मैंने स्क्रैपर लगाया। पहले तो स्मूथ करना है। स्मूथ करने के बाद जैसे ही आपके केक का जो साइड है वो स्मूथ हो जाए, तो उसे ऑल ऑफ अ सडन ऊपर की ओर ऊपर नीचे करते हुए ज़िगज़ैग करते हुए बस घुमाते जाना है, और आपका ये वेव वाला डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा। तो जैसा कि पिक में था, ऊपर में पैलेट नाइफ से इस टाइप का डिज़ाइन बना हुआ था, तो पैलेट नाइफ को भी सेंटर में रख के रोटेट करते हुए मैं ऊपर में भी डिज़ाइन बना दी, साइड में वेव और ऊपर में भी वेव। पर ये वेव जो है वो नॉर्मली पैलेट नाइफ से बनी हुई है, और जैसा कि पर्ल वाले स्प्रिंकलर्स डले हुए थे तो पर्ल वाले स्प्रिंकलर्स डाल दे रही हूँ। हालांकि ये वेव देखने में तो बहुत ही इजी लगता है, बस लगता है कि टर्न टेबल को रोटेट किया, स्क्रैपर घुमाई और डिज़ाइन बन गया, पर इतना भी इजी नहीं होता है। आपको एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जो क्रीम है इसमें थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में डालनी होगी, जिससे कि आप जब स्क्रैपर चलाएं तो क्रीम है वो निकल के बाहर ना आए। तो क्रीम जो केक है वो अच्छे से सेट होना चाहिए, एंड क्रीम की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी थिक होनी चाहिए नॉर्मल केक के कंपैरिजन। यहाँ पे मैंने सिलिकॉन ब्रश से भी पैटर्न बनाना दिखाया है, जस्ट जो मैंने स्क्रैपर घुमाया उसके जगह आप सिलिकॉन ब्रश घुमा दे और आपका सिलिकॉन ब्रश से भी पैटर्न बनके तैयार हो जाएगा साइड में वेव। और ये सारे डेकोरेशंस हैं सेम कलर के बटरफ्लाई के साथ ही जाते हैं, तो आप इस तरीके से सेम कलर के बटरफ्लाई लगा दें और आपका केक रेडी है बहुत ही मिनटों में। तो ये देखिए, सिलिकॉन ब्रश से मैंने कैसे बनाया। नॉर्मली पहले ऊपर से नीचे अच्छे से रोटेट कर ली, उसके बाद ज़िगज़ैग, हैंड का मूवमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए, ऊपर नीचे करते हुए बना लिया। तो स्क्रैपर चला रहे हैं तो स्क्रैपर को ऊपर नीचे कर लीजिए, और अगर नॉर्मली सिलिकॉन ब्रश चला रहे हैं तो वो कर लीजिए। और ये देखिए, और भी एक केक जो कि इसी टाइप के वेव डिज़ाइन में मैंने बनाया था। तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय।